एवरीवन, आज आप सभी को ए प्लस जुलाना की तरफ से नव वर्ष 2020 जिसे बोलते हैं 2020 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक मैसेज है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नव वर्ष पर एक संकल्प करें, एक वादा करें अपने आप से कि इस आने वाले वर्ष को हम जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पिछले साल के अंदर जो भी बीत गया है, चाहे वो किसी प्रकार की कमी रही है या किसी का कोई एग्जाम क्रैक होने से रह गया है या फिर कोई किसी विषय में फेल हो गया है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर उसको पिछले साल के अंदर कोई ऐसा हुआ है कि भी फेलियर महसूस हो रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ के अपने एक नया टारगेट, एक नया गोल दोबारा से सेट करें और अपनी उस मंजिल की तरफ एक एक कदम रख के जो है बढ़े। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है इस मैसेज को जरूर ध्यान में रखेंगे कि आने वाले समय में, कि जो आने वाला समय है हमें उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य करना है। और दूसरी बात, सभी अपने मन में एक बात और विचार लें कि इस साल के अंदर हमें एक बुराई त्यागनी है। अब वो बुराई क्या है, अगर कोई सिगरेट पीता है वो उसको त्याग सकता है, अगर कोई मान लिया किसी प्रकार का नशा करता है उसको त्याग सकता है, अगर मान लिया किसी के एक प्रकार से मन के अंदर जो है लेट लतीफी है, जिसे हम आसान भाषा में क्या बोल देते हैं भाई, कि आलस है, उसको त्यागी, ठीक है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहें। तो इन कुछ बातों के साथ आप नए साल की शुरुआत करें और मैं उम्मीद रखता हूं आप सभी से कि आप सभी इन बातों पर गौर करेंगे और जब जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2021, उस साल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात को माना, अपनी लाइफ के अंदर उस बात को डाला और आगे आने वाले जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है क्या प्रयास उन्होंने किए, या फिर अब आप क्या प्रयास करोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि हम आज से पढ़ाई रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 11, 12 के स्टूडेंट्स उनके एग्जाम आने वाले हैं या फिर BSc के काफी यूनिवर्सिटीज के पेपर हो चुके हैं और काफी यूनिवर्सिटीज के होने वाले हैं। तो जिनके पेपर हो चुके हैं वो ये ना सोचे कि जब क्लास स्टार्ट होगी मैं तभी सिलेबस स्टार्ट करूंगा। ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एक आपके लिए ऐसा है कि जब तक क्लास स्टार्ट होगी आप पूरा सिलेबस कर चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो युग है बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का युग है, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपसे कोई बेहतर आपको रोंद करके जो है आगे निकल जाएगा। तो इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। शुरुआत में क्या होता है, हम एक डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है उसके बाद MSc एंट्रेंस देते हैं आप और नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर इस तैयारी से काम नहीं चलेगा। वहां पर आपको जो है और बेहतर तरीके से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा ताकि दूसरा आपसे आगे ना निकल पाए। तो आशा करता हूं कि आप सभी जो है इन बातों का ध्यान करेंगे और जो भी स्टूडेंट कोई भी एक बुराई त्यागता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं बहुत जो है खुशी होगी ये जानकर कि हमारे द्वारा जो दिया गया मैसेज है किसी न किसी स्टूडेंट ने जो उसको पॉजिटिव वे में लिया और वो जो है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एटलीस्ट प्रयास कर रहा है। मैं नहीं बोला कि होगा, वो छोड़ो, एटलीस्ट प्रयास तो करो। आपने वो दो फेमस लाइन जरूर सुनी होगी कि लहरों से डर कर का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, कोशिश करते रहिए और इस जमाने के साथ चलते रहिए। ए प्लस जुलाना की तरफ से आपको एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं और ये नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। थैंक यू।